नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। बिहार में 18 जातियों के वर्गीकरण का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है और इस पर खूब बवाल भी हुआ था, जहां पर चिराग पासवान ने भी इसका विरोध कर दिया था। अब जितना मांझी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तबका का कुछ लोग ऐसा है जो बैठ कर मलाई खा रहा है और कुछ लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। और मैं इस बात के समर्थन में हूँ कि जो भी आर्थिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे अगर वर्गीकरण होता है तो उन लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि जीतनराम मांझी ने इसके लिए सपोर्ट किया है और चिराग पासवान को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि एक वही नहीं है बल्कि 18 जाति के तमाम लोग हमसे मिले और हमने ये चीज महसूस किया कि वर्गीकरण होने की आवश्यकता है। और जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई है, 3 बरस सदस्यता अभियान का हो गया है, लाखों लाख लोग हमारे सदस्य बने हैं। अगला 3 महीना में यानी दिसंबर तक, चुप रहो भाई, अगला दिसंबर तक 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट हम लोगों ने बनाया है, हमारे नेताओं ने बनाया है, और उसकी पूर्ति के लिए प्रखंड लेवल से लेकर के पंचायत लेवल और बूथ लेवल तक हम लोग जाएंगे और लोगों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा करके अधिक से अधिक लोगों को अपने पार्टी में लाने का प्रयास करेंगे और 10 लाख सदस्य बनावेंगे। आरक्षण की बात कही आपने कल से, तेजस्वी यादव धरना पर भी बैठ रहे, किस चीज़ के लिए? आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर एक दिवसीय धरना पर कल बैठेंगे। देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है, जब 2005 तक उनके पिता और माता राज्य का नेतृत्व किया, देश में ऐसा मंत्री होते कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जो रूस में थे वहाँ थे और राष्ट्रपति शासन खत्म कराने के लिए दस्तखत कराने को बाध्य किया, इतना पावरफुल थे। उस समय आरक्षण की याद उनको नहीं आई थी जो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आरक्षण की जो स्थिति है पहले से ज़्यादा अच्छा है, सब लागू हो रहा है, सबको मौका मिल रहा है, जिनको मौका न मिल रहा है उसी के लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हम लोगों ने बात किया है कि हमारे समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, जिसमें कि जो 18 जातियां बिहार में हैं, इसके अलावे देश में अनेकों ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनका वर्गीकरण किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट में भी इसकी चर्चाएं हुई है, हमने अपनी प्रस्तुत बातें किया है, माननीय प्रधानमंत्री ने मौन रह करके स्वीकृति दी है और अन्य मंत्री लोग बहुत खुश इस बात से थे और हमको बाद में कहा, मांझी जी आप अपने समय काल में ही वर्गीकरण करा लीजिएगा, ऐसा हमको विश्वास है। वर्गीकरण सर, आप जो है वर्गीकरण, ये एक एक बात बोलिए तो ना, आप शामिल करने की मांग कर रहे हैं, आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, कहा आपने कि जो धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ भारत बंदी हुआ, वो फेल हो गया, लेकिन चिराग पासवान ने तो समर्थन दिया था। चिराग पासवान का सवाल है, एक चिराग ही पासवान समूचे इंडिया की राजनीति न कर रहे हैं, यहाँ भी 18 जातियाँ के लोग मिले थे, आए थे, उनका 3,500 लोग आए थे, हम उसमें मिले थे और निकट भविष्य में आप देखिएगा कि इस 18 जाति के लोग कितने समय पर आ रहे हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इसलिए कि वर्गीकरण होना चाहिए, एक आदमी मलीदा खा रहा है और क्या कहते हैं, हर तरह का लाभ ले रहा है, जज, कलेक्टर, SP, इंजीनियर इन चीफ हो रहा है, और दूसरा आदमी है जो क्लर्क और प्यून से ही क्या कहते हैं वो संतोष है, तो एक कब तक चलेगा, 76 वर्ष तो हो गया। बीजेपी से दूरी भी थोड़ा चिराग पासवान से दूर रहे, नहीं कोई दूरी नहीं है, चिराग पासवान NDA के साथ हैं और उनके सारे मेंबर सब NDA के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है उसमें सबको विश्वास है। अब टूट आती है कि ना आती है ये तो समय की बात है, इसको मैं नहीं कर सकता, कोई मैं फॉरकास्ट करने वाला आदमी नहीं है। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से नमाज को लेकर 2 घंटे का वो ब्रेक लगा दिए, उसको असम में 2 घंटे के नमाज पर रोक लगाई। अपने अपने देश का अपने अपने राज्य की स्थिति है, राज्य की स्थिति के अनुसार जनता के
मन की बात के अनुसार उन्होंने काम किया है, उसको देश स्तर पर नहीं देखा जाएगा। अगर देश स्तर पर विचारण बात आएगी तब फिर हम लोग इस बात को समझेंगे। जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि भूमिहार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति सबको भूमिहार वोट नहीं करता है सर? देखिए, अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए। इस तरह जेडीयू ने भी फटकार लगाई है उनको, अब जो हो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गलत है, जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। तो सुन रहे थे आप कि जीतन राम मांझी ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौन रहकर समर्थन दिया है इस बात को लेकर कि ये होना बहुत जरूरी है जिससे कि हम समाज को मजबूत कर सके, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी। और ये होने के लिए जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका कोई मायने मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और वैसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।